हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रनी कॉस्मेटिक्स का ये फेस बेस कॉम्पैक्ट जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। मेरी जो शेड है चेस्टनट बेस्ड है, मैंने इसे बस कल ही आई है, आई थिंक रिसेंटली बाय किया। एंड इसमें आपको 6 से 7 शेड्स मिलेंगे, आई गेस एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये कॉम्पैक्ट कुछ इस तरह की दिखती है एंड दिस इज द आउटर पैकेजिंग। आपको प्रोडक्ट मिलेगी 9 ग्राम एंड इसकी प्राइस जो है 450 रुपीज, बट हर साइट में ना आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल जाएंगे। तो ये कॉम्पैक्ट क्या क्लेम करती है, दैट इज ऑयल फ्री, फुल कवरेज एंड वेटलेस फॉर्मूला एंड ऑल्सो विथ हाई एलोरॉनिक एसिड। हाई एलोरॉनिक एसिड इन कॉम्पैक्ट, देखते हैं। तो इसकी जो शेड है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मिरर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड दिस इज द प्रोडक्ट गाइज। इसकी जो शेड है, माई गॉड, अरे यार प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक। तो इसकी जो शेड है ना, एग्जैक्ट मेरी स्किन शेड से मैच करती है। मैंने इतनी सारी कॉम्पैक्ट यूज़ किया ना, तो मेरी एग्जैक्ट सेम, मतलब क्या बताएं, कलर की, फेस कलर, स्किन कलर की कॉम्पैक्ट आज तक नहीं मिली, बट इसमें मुझे मिली है चेस्टनट बेज। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारी मतलब शेड्स तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसकी जो स्पंज है ये भी अच्छी क्वालिटी का है, बट मैं स्पंज से उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ। ये क्लेम करती है ये ऑयल फ्री है, ऑल्सो फुल कवरेज देती है, ऑल्सो ऑयल को कंट्रोल करती है, मैट फिनिश लुक प्रोवाइड करती है। मैं आपको पहले डेमो दिखाती हूँ, ठीक है। तो पाउडर से मैंने अप्लाई कर लिया, अभी ना मेरी फेस पर जस्ट मैंने मूस फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ था, कोई भी पाउडर अभी नहीं है, फेस पाउडर कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, तो मैं ये पाउडर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो इस तरफ फेस की थोड़ी सी शाइनी लग रही है, बट इस तरफ मैट है, तो ये ऑयल को कंट्रोल करती है, मैट लुक प्रोवाइड करती है। मैंने इससे पहले ये कल यूज़ किया था। कवरेज की अगर बात करेगा, ये फुल कवरेज तो नहीं देती है, बट अच्छी खासी कवरेज दे देती है। ऑल्सो हाँ, ये आपकी फेस को ना मैट लुक प्रोवाइड करती है, ऑयल को भी कंट्रोल करती है काफ़ी हद तक। जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेट आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम लॉक हो गया, स्वेट नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी हद तक स्टे करती है आपकी फेस पर एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑल्सो इन दिस रेंज, इन दिस प्राइस। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है गाइस, ये स्टे करती है, ऑयल फ्री फॉर्मूला है एंड काफ़ी स्मूथ भी है। एंड अगर मेरी आपकी स्किन कलर मेरी तरह है, तो आप डेफिनेटली ये शेड बाय कर सकते हो, चेस्टनट बेज। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है गाइस, थैंक्स टू रनी की मुझे मेरी शेड मिली है फाइनली। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां जाके बाय कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपकी स्किन टोन मुझसे लाइटर है या फिर थोड़ी सी ग्लो चाहते हो, आप एग्जैक्ट शेड ना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कैशियो बेज जो शेड है वो आप बाय कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप वीडियो आपने इन्जॉय किया, आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, चलना टेक केयर, बाय बाय।